Mini Dani, mere paas leti hai. Mini, Mini Dani, Dani, hey Dani. Rani tera khabar nahi. रानी मेरे पास आके सो जाती है। आप देखें मिनी कैसा मेरे पास सो रही थी और मैं तो सलामी नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मैं बना रही हूँ चने तारी में। चने भी उबाल के रखी हूँ मैंने और ये तीन आलू ली हूँ, ये भी बॉईल कर ली चने के साथ। चना बटाटा बेसन डाल के दाल बना दी और सूखे झींगे की भाजी भी पक रही है। वो तो मैं आपको बताई थी इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं डाली। वो जेवला नहीं है, ये सूखे झींगे हैं, वो पक रहे हैं। दाल पक गई, दाल और ये भी आटा भी हो गया। बस अभी ये गैस चालू कर रही हूँ और चने बताती हूँ मैं आपको, बेसन वाले चने। तेल डाले, मिनी देखे, मिनी ऐसे ही मेरे पास सोती है, आके ऐसा सो जाएगी। नहीं तो मैं कुर्सी पे बैठूंगी ना तो मेरे से चिपक जाती है, आके ऊपर चढ़ जाती डाले, उससे नाखून नाखून मेरे को लग जाते पूरे, नाखून में अंदर घुसा देती है वो। तो ये कांदा लाल होगा ना तो मैं इसमें ये फेंस के रखी हूँ। इसमें ज़ीरा है, हरी मिर्ची, अदरक है और लहसुन है, इसको इसमें फेंस के रखी हूँ। कांदा लाल होगा तो मैं डाल दूँगी। ये होने आया थोड़ा कांदा, इसमें मैं ये डाल दूँगी। हाँ सही करना पड़ेगा। चटपटे बनेंगे चने। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ना। अरे मैंने इमली भी डाली थोड़ी सी, ठीक है, थोड़े खट्टे ही बनते। इमली बहुत खट्टी है ना इसलिए मैंने थोड़ी कम ले जाई, बिगड़ी है। अरे जो आलू है ना, आलू को मैं काट लेती हूँ, बॉयल आलू है। ये हरी मिर्ची की घास है, लहसुन, हरी मिर्ची। ये आलू भी थोड़ा इसमें फ्राई कर लेती हूँ मैं। ये भुने गए हैं, अब इसमें थोड़ा मैं नमक ऐड करूंगी। रोज़ रोज़ खाने के बाद मेरे को एकदम कड़क मैगी एक बोल आता हूँ। चुप ना चिंग सेजवान। हाँ मैं चिंग सेजवान। अरे मैं खुली जाएगी मिर्ची की बुक्की, मिर्ची पाउडर और इसमें जाएगा चाट मसाला। चटपटा चाहिए ना इसलिए चाट मसाला। और इसमें धनिया पाउडर जाएगा थोड़ा, हल्दी दे मम्मो, और इसमें खुली जाएगी हल्दी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी क्योंकि ये जल रहा है, नीचे पकड़ रहा है, मतलब अगर मैं उसको हिलाऊंगी
इसमें जो टेस्ट आएगा ना टेस्ट वो लहसुन अदरक हरी मिर्ची और जीरे का होगा जो मैंने कूट के डाली हूँ ना जो आप लोगों को बताई हूँ। बस ये थोड़ा पकेंगे और ये मैंने ना बेसन मिक्सी में ग्रेट कर मतलब पीस ली हूँ, पीस ले मतलब वही जैसा अपन भिगाते भजिए के लिए, तो ये मिक्सर में मैंने घुमा ली थोड़ा सी था ना, तभी ये इसमें मैं डालूंगी। तो थोड़ा पानी और दूंगी, इसको शेक करेंगे, इसको पानी भी डाल देंगे, तभी ये बेसन में पकेगा और बेसन पकना चाहिए। ये ऐसा बेसन डालेंगे ना तो ऐसा कलर होगा इसका, और इसको सिलो पे पकने देने का है, तो अभी मैं ये फ्लेम सिलो कर रही हूँ। सिलो तो ये हम लोग के घर में ना बहुत पसंद आते हैं ये बेसन वाले चने, खासकर मम्मों को बहुत पसंद आते हैं। बस ये अभी थोड़ा 5 मिनट पकेगा, 5 मिनट पकने के बाद इसमें मैं ये इमली का पानी डाल दूंगी ये पकने के बाद। चल देखते हुआ कि नहीं थोड़ा होने आया है, ये पीछे पकड़ रहा है, इसमें पानी डालना है कि नहीं डालना अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा हिला के देखती हूँ पानी की जरूरत है कि नहीं। इसमें थोड़ा कच्चा बेसन का स्मेल आ रहा है, इसको ऐसे सिलो में पकेंगे और इसमें मैं अभी डालती हूँ ये इमली का पानी। बाप रे बाप, मिर्ची भून के इतना टाइम हो गया फिर भी मिर्ची की ठास। मैं डाल दी मैंने इमली का पानी, इसको फिर हिलाऊंगी, पानी की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ इमली का पानी डाल दी हो गया। बस इसको अभी और 5 मिनट पकाने का है, फिर मैं डायरेक्ट आपको इफ्तार में इसको बताऊंगी। अभी मैं इसको डायरेक्ट इफ्तार में आपको बताऊंगी और मैं मिलती हूँ आपको इफ्तार टाइम। ये फ्रूट है कि कल से एप्पल और एप्पल कोई नहीं खाया ना केला कोई खाया, सब फेंकने में गया, इसलिए मैंने बोली ना एप्पल काट ना केला काट, सिर्फ ये पपैया है, वाटरमेलन है और अंगूर, और ये मैंने बेसन वाले चने बनाई हुई है, ये ईबो का है, इब्राहिम का और मम्मो का, और ये खाना इब्राहिम को खाना लगता है, खाने में दाल चावल है और ये सूखे झींगे की भाजी है। बस तो ये वीडियो में अभी यहीं एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, खुदा हाफिज़।